अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? सऊदी अरबिया से लेटेस्ट न्यूज़ लेके मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। सऊदी अरबिया में 38 नए कोरोना वायरस के केसेस मिले हैं, जिसके बाद कुल तादाद हो जाती है 171। बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत तेज़ी से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो एक ही दिन में 38 मिले हैं। उससे एक दिन पहले जो है 24 मिले थे, फिर 17 मिले थे। बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो कोरोना वायरस इंक्रीज़ हो रहा है सऊदी अरबिया में। उसी चीज़ के तहत में जो है सऊदी अरबिया गवर्नमेंट ने काफ़ी जो है नए जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए हैं, जिसके बारे में मैं आपको अभी इस वीडियो में वन बाय वन बताता जाऊँगा। प्लीज़ स्टे विथ मी until the end of the video and I will give you all the detail about the Saudi Arabia latest news and update and official rules and regulations. सबसे पहले मैं आपको बता रहा चलूँ, जब मैं आपको बात बता रहा था कि सऊदी अरबिया में 38 नए कोरोना वायरस के केसेस मिले हैं, जिसके बाद जो है वो कुल तादाद जो हो गई है 171 हो गई है, 171 केसेस कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पीपल इन सऊदी अरबिया। जिसके बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 6 लोगों के केसेस जो है वो रिकवर भी हुए हैं, 6 लोगों ने रिकवरी भी की है। बट स्टिल बहुत ही अफसोस की बात है कि 171 हो गए हैं, जिसमें से बहुत से जो है वो मक्का मदीना में भी हैं और जिद्दा में भी हैं। वो स्टेटिक्स में आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊँगा इंशाल्लाह, पर यह है कि फॉर द टाइम बिंग जो है वो बहुत अफसोस की बात है। आप लोग भी अपने घरों में रहें, घरों से ना निकलें। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जो है वो मजमुओं में जो है वो लगा दी है, बैन लगा दिया है, और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है वो गैदरिंग कम ही करें और बाहर घर से कम निकलें। स्कूल्स बंद हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है। आप लोग भी प्लीज़ अपने घर में रहें और जो है वो एहतियात करें। दोस्तों ये देखें, स्टेटिक्स के हिसाब से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि सऊदी बाय नेशनलिटी, बाय रीजन, बाय जेंडर, बाय रिकॉर्ड, बाय चिल्ड्रन, बाय एवरेज एज ऑफ इन्फेक्टेड पीपल जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि नेशनलिटी है, सऊदी नेशनल ज़्यादा इफेक्टेड हैं, 104 सऊदी नेशनल जो है वो इन्फेक्टेड हैं, और इजिप्शियन आर 51, USA 2, फ्रांस, इंडोनेशिया, बहरीन, लेबनान, बांग्लादेश, आप देख सकते हैं सारे लोग जो है वो नेशनलिटीज इन्फेक्टेड हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह सो फार पाकिस्तानी कोई नहीं जो है वो इन्फेक्टेड सामने आया है। रीजन मक्का में सिर्फ इटसेल्फ 53 केसेस हैं, कतीफ में 44 है, रियाद में 41 है, जिद्दा में जो है वो 13 केसेस हैं। बहुत ज़्यादा आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं अगर आप बाकी रीजन की डिटेल जानना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला बेहतरी करे आप लोगों के सामने ये डिटेल्स हैं। 10 मेल जिसमें से इन्फेक्टेड हुए हैं, वो फीमेल्स जो हैं वो 62 इन्फेक्टेड हुई हैं कोरोना वायरस से। 2 बच्चे भी बेचारे जो है वो इन्फेक्टेड हुए हैं। अल्लाह ताला रहम करे हम सब पे अपना। और दोस्तों सऊदी अरबिया गवर्नमेंट ने इस जो है वो कोरोना वायरस की तेज़ी से फैलने की वजह से जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स को, फर्स्ट टाइम एवर प्राइवेट सेक्टर्स को भी फॉर 2 वीक्स दे हैव गिवन देम ऑफ, ऑफिशियली ऑफ फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द प्राइवेट सेक्टर्स अंटिल इट इज़ नॉट नेसेसरी। जैसे मैन पावर की अगर ज़रूरत हुई तो ही वो जो है वो कंपनी अपनी जो है ऑफिस खुले रखेगी, और वो भी उसके बावजूद भी जो है वो मैन पावर रिड्यूस करेगी फॉर 2 वीक्स। 2 हफ्तों के लिए मैन पावर उनको रिड्यूस करना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस थ्रेट। दोस्तों सऊदी अरबिया ने एक और नया ऐलान किया है कि मस्जिदें बंद होंगी 2 हफ्ते तक एटलीस्ट जो है वो देखेंगे कि क्या प्रोपोजिशन है। पहले कल तक न्यूज़ थी कि जो है वो लोग जो है वो अपने घरों से वज़ू करके आए, जो है मस्जिद में वज़ू का पानी नहीं अवेलेबल होगा और इन चीज़ों से उन्होंने अवॉइड करवाया था। पर अब जो है वो एक और न्यूज़ आ रही है कि सिवाय मक्का मदीना हरम के कहीं पर भी मस्जिद में बाजमात नमाज नहीं होगी। अजानें आएँगी, 5 वक्त की अजानें आएँगी इंशाल्लाह, पर जो है वो नमाज जो है बाजमात नहीं पढ़ी जाएगी सिवाय मक्का मदीना हरम के। दोस्तों रेस्टोरेंट्स भी बंद कर दिए गए हैं। एक और ये न्यूज़ आई हुई थी, 2 दिन पहले ही आई हुई थी, पर मैं कंफर्म कर रहा था चीज़ें कि क्या पोजीशन जाती है। तो वाकई रेस्टोरेंट सारे बंद कर दिए हैं, कैफेज़ बंद कर दिए हैं, फूड जो है वो रेस्टोरेंट डाइन इन बंद है। दोस्तों आप टेक अवे कर सकते हैं, ऑर्डर दे के टेक अवे कर सकते हैं, या पिकअप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, या डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स आर ओपन, सारे रेस्टोरेंट खुले हैं, सिर्फ डाइन इन बंद कर दिया है कि वहाँ पे मजमुआ ना हो। तो आप पिकअप कर सकते हैं जो है वो अपना ऑर्डर कर सकते हैं या डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं। एक और जो है न्यूज़ आप लोगों को देता चलूँ माई फ्रेंड्स, के बार्बर शॉप्स एंड सलूनस दोज़ आर ऑल्सो क्लोज फॉर 15 डेज़ फॉर द टाइमिंग। 2 हफ्तों के लिए जो है वो सलूनस और जो है वो नाई की शॉप्स जो है वो बंद कर दी गई हैं, जस्ट टू प्रिवेंट द कोरोना वायरस। एक और न्यूज़ से मैं आप लोगों को आगाह करता जाऊँ, सऊदी अरबिया में जो है वो स्पेशल
तहत जो है लोग काफ़ी चीज़ों के डर लग रहा है कि हो सकता है चीज़ें एक्सपेंसिव हों, जैसे कि फूड, टी, शुगर, राइस, इन चीज़ों में से, मिल्क में से, कोई भी चीज़ हो, कोई भी ग्रोसरी चीज़ अगर आपको कोई एक्स्ट्रा प्राइस में दे रहा है या आपको लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा प्राइस चार्जेस ले रहा है, तो आप उसकी कंप्लेंट 1900 पे कर सकते हैं। उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से 1 मिलियन रियाल का पेनल्टी है, 1 मिलियन रियाल पेनल्टी ऑन दोज पीपल हु आर गोना अननेसेसरी हाइक द प्राइस ऑफ द गुड्स। दोस्तों मैं आप लोगों को आसपास के ममालिक की जो है वो क्विक स्टेटिक्स बताते जाऊँ कि कितने कोरोना वायरस के केस डिटेक्ट हुए हैं। बाय नाउ सऊदी अरबिया हैज़ फाउंड 171 कोरोना वायरस केसेस, इंडिया हैज़ फाउंड 147, पाकिस्तान हैज़ फाउंड 247, फिलिपाइंस 187, बांग्लादेश 10, श्रीलंका 44, नेपाल 1। देर आर रिकवरीज ऑल्सो इन सऊदी अरबिया 6, लाइक इन पाकिस्तान we have recovered 2 coronavirus cases, but very less number of people we have recovered. May God bless everybody and may God bless all of us. दोस्तों सऊदी अरबिया लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट के साथ अप टू डेट रहने के लिए ऑथेंटिक और ऑफिशियल न्यूज़ ही मुझे जैसे मिलती है तो ही मैं कंफर्म करके आपको सारी डिटेल्स देता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग वीडियोस फॉर यू, ताकि मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम जो है ऑफिशियल न्यूज़ प्रोवाइड करता रहूँ, और जो है वो हर कोई ऑफिशियल चीज़ या कोई भी नया रूल्स रेगुलेशन आता है तो मैं आपको ऑफिशियली कन्फर्म करता रहूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल टू स्टे अप टू डेट रिगार्डिंग न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट सऊदी अरबिया। Thank you so much guys, please take care of yourself. I will see you very soon. If any news or any alert come, I will give you guys quickly. Take care of yourself. Fi Amanallah.